जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चंदन रोशन, आप सबों का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को देनी थी कि जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस बात को नोटिफाई किया है, इस बात की चर्चा की है कि मेड इन इंडिया ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए, मेड इन इंडिया ड्रोन्स के यूसेज को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विंग, उन्होंने कहा है कि 9 फरवरी 2022 से जितने भी ड्रोन्स हम इम्पोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, उनको बैन किया जाएगा। हालांकि इस प्रतिबंध में, इस बैन में कुछ ड्रोन्स को भी छूट दी गई है, कुछ ड्रोन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे फॉरेन कंट्रीज के ड्रोन्स जिसको हम यूज करते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्पस के लिए और जिनका उपयोग किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कामों में, ऐसे ड्रोन्स को एग्जेम्पशन दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी अन्य प्रकार के ड्रोन्स हैं, उनके इम्पोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि जो मेड इन इंडिया कार्यक्रम हमारा है उसको हम प्रमोट कर सके, क्योंकि भारत को आखिरकार आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। और इस सपने को साकार करने के लिए ये हम कह सकते हैं कि हमारा पहला इम्पोर्टेंट प्रयास है। तो ऐसे ही